हैं कि हमारा भविष्य अधर में लटका हुआ है या हमारे भविष्य को ख्याल में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ किए हैं। बिहार संविदा चालक संघ के लोग गर्दनी बाग में प्रदर्शन करते दिखे। मानसून सत्र का तीसरा दिन सड़क से लेकर सदन तक संविदा चालकों ने जोरदार हंगामा किया। बिहार पुलिस ने बुधवार को पटना के गर्दनी बाग में नियुक्ति की मांग को लेकर धरना स्थल पर प्रदर्शन करते दिखे। फरवरी 2011 में संविदा चालकों को बहाली की गई थी। नियमों की बहाली में तमाम लोग शामिल किया गया था। स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि संविदा पर कार्य करने वाले कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति होगी, लेकिन इतने साल की ड्यूटी देने के बाद भी विभाग हमें बाहर का रास्ता दिखा रहा है। 31 जुलाई के बाद हम लोगों की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। सरकार से गुहार लगाई है कि संविदा चालकों की नौकरी अस्थायी रखे। मार्च 2011 से अभी तक हम लोग कार्यरत हैं इस विभाग में। हम लोग जो हैं बिहार के विभिन्न जिला, सभी जिला 38 जिला में हैं, निगरानी, रेल, HQRT, CID, विशेष शाखा, सभी जगह हम लोगों का लड़के लोग कार्यरत हैं। अब पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है 15/6/21 को, जिसमें इस लेटर का जिक्र किया गया है कि आपकी सेवा समाप्ति 31/7/21 को कर दिया जाएगा। मतलब बिहार पुलिस संविदा चालकों की जो सेवा चल रहा है उसको 11 वर्षों के उपरांत अब सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। इसी के खिलाफ हम लोग रोड पे आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग ज्ञापन भी 26 तारीख को जो हमारा गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास जो हमारा धरना था उस दिन ज्ञापन भी जा कर करके हम लोग गृह संयुक्त सचिव अनिमेश पांडे जी को दिए थे। उनका ये आश्वासन मिला था कि आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये आवेदन चल जाएगा, लेकिन उस आवेदन पे क्या हुआ वो जानकारी अभी तक हम लोगों को नहीं है कि हमारा भविष्य अधर में लटका हुआ है या हमारे भविष्य को ख्याल में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ किए। आपको क्या लगता है कि इस तरह से मार्च करने से क्या आप लोगों के बात को सुना जाएगा? एकदम सुना जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो वृक्ष लगा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही लगाया गया है, क्योंकि उस समय भी इन्हीं का कार्यकाल था। माननीय नीतीश कुमार के द्वारा ही हम लोगों का नियुक्ति किया गया था, हम लोगों की बहाली निकाला गया था। तो हम लोगों को पूरा उम्मीद है, 100% हम लोगों को उम्मीद है और सब परिवार हम लोग उम्मीद बनाए हुए हैं कि हम लोगों के हक मारी नहीं करेंगे, जो वृक्ष लगाए हैं उस वृक्ष को काटने का काम नहीं करेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय का जो आदेश है उसको स्थगित करते हुए हम लोगों के कल्याण हेतु नियमित 60 साल सेवा का आदेश निर्गत करेंगे, या नहीं तो उच्च स्तरीय कमेटी जो लागू किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी एक पूर्व सचिव AK चौधरी जी का, उनकी अनुशंसाओं को भी कम से कम हम लोगों के ऊपर लागू करेंगे और हम लोगों को भविष्य को देखेंगे, क्योंकि अब हम लोग का उम्र इस कंडीशन में चला गया है। बहुमूल्य उम्र के पड़ाव में हमने इस विभाग को दिया है, अब हमारी उम्र भी नहीं बचा है जो कि दूसरे बहाली में सम्मिलित होकर के रोजगार प्राप्त कर सके। सर आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार, पटना जिला।